जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आपको पता होता है कि आपका मैंडेट क्या है, आपको एज अ चीफ मिनिस्टर क्या करना है, किस तरीके से सरकार चलानी है, आपका एक अपना विजन होता है और उसके आधार पे आप अपनी टीम को आगे लेकर जाते हो। जब आप डेप्यूटी के रोल में होते हो तब आपका मैंडेट क्या है वो आपको चीफ मिनिस्टर की तरफ देखना पड़ता है। एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी ने आपको क्या मैंडेट दिया, जब आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था तो पार्टी ने क्लियरली आपको कहा था कि आपको पार्टी लीड करनी है, सरकार लीड करना है और आपको आगे बढ़ना है। अब एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो पूरा एपिसोड मुझे याद है कि जिसमें आपकी तो इच्छा थी कि आपको सरकार में नहीं जाना है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको सरकार में जाना क्यों नहीं था, इतनी सारी मशक्कत करने के बाद आप सरकार में जाना नहीं चाह रहे थे, क्या आपको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही थी इसके लिए आप सरकार में नहीं जाना चाह रहे थे, ये कारण मान सकते हैं? देखिए ऐसा था कि नॉर्मली चीफ मिनिस्टर रहने के बाद आप किसी दूसरे पद पर सरकार में जाए तो एक प्रकार से आपकी इमेज ये होती है कि आप पावर ग्रीडी हो, आप पावर हंग्री हो। तो मेरा मूल विषय इतना ही था कि हमने सत्ता का परिवर्तन किया है तो कोई कुर्सी चाहिए इसलिए नहीं किया। महाराष्ट्र के जो हालात थे, जो दो ढाई साल में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं के मद्देनज़र हम लोगों ने यह परिवर्तन किया था और इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि केवल सत्ता के लिए परिवर्तन हुआ है, ग्रिड के लिए हुआ है। और इसलिए मैंने एक बड़ा कॉन्शियस निर्णय उस समय लिया था कि मैं सत्ता के बाहर रहूंगा। लेकिन जब मेरे नेताओं ने मुझसे बात करके मुझे कहा कि पार्टी के महाराष्ट्र के आप नेता हो, ये सरकार हमको चलानी है और इस सरकार को चलाने में आपके अनुभव की आवश्यकता है, इसलिए हमको ये लगता है कि आपने जाना चाहिए। और एक बात हमारे नेताओं ने जो कही, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बात मुझे सही भी लगती है, उन्होंने ये कहा कि सरकार बाहर रहकर चलाई नहीं जा सकती और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये सरकार चलाए तो सरकार ठीक चलती भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको अंदर रहना चाहिए। और मेरा मैंडेट आपने जो पूछा, मेरा एक ही मैंडेट है। देखिए हम सब लोग, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो या हम लोग हो, हम सब लोग मिलकर एक विकसित भारत का जो विजन प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो विजन महाराष्ट्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो जब महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन बनेगा तभी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। तो ये जो विजन है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, यही हमारा मैंडेट है। और मेरा एक्स्ट्रा मैंडेट ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो यशस्वी हो, इसलिए उनको पूरे तरीके से मदद करना, उनके पीछे खड़ा रहना। मैं पूरी ताकत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़ा हूँ, उनकी लीडरशिप में हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को फिर एक बार देश का नंबर 1 राज्य बना कर रहे हैं। सर ये तो ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की एक एडमिनिस्ट्रेशन की परंपरा रही है जिसके तहत महाराष्ट्र में काम होता है और आज की स्थिति में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लो देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 में है, फिर सरकार यहां से वहां हुए, लेकिन फिर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एक काम चलता है। लेकिन मैं उस चीज पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से बातें हुई, क्योंकि ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बीजेपी इतना बड़ा कदम उठाती है और पहले उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। आपने ये फैसला लिया था कि आप सरकार के बाहर रहेंगे, क्या आपकी बात हुई थी आपके लीडरशिप से या आपका खुद का फैसला था? क्या जिस तरीके से वो चीजें हुई, आपको खुद को कब पता चला कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है? आपको कब पता चला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे, या उनको पहले से ये वादा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसीलिए आपने फैसला कर रखे थे आपने कि मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा, मैं बाहर से इसको मदद करूंगा, क्योंकि बीजेपी तो सरकार में शामिल होने वाली थी उसमें, ऐसा नहीं कि आपके मंत्री होने वाले नहीं थे। तो ये वाकया हमको समझना है कि ये आखिरकार हुआ कैसे, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, उसके बाद जेपी नड्डा वो ट्वीट करते हैं, अमित शाह ट्वीट करते हैं और उसके बाद फिर आप राजभवन में हमने देखा कि 2 कुर्सियां रखी हुई थी, तीसरी कुर्सी ऐड की जाती है और फिर हम खबर चलाते हैं कि नहीं शायद देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये आपने कैसे, ये कैसे हुआ? ये 2020 मैच की तरह हुआ, उसमें कब क्या रिजल्ट कैसे बदलता है ऐसा वो बदलते गया। लेकिन एक बात मैं पक्की बोलता हूं कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला हुआ
वो मेरे कंसल्टेशन से हुआ और उससे आगे जाकर मैं कहूंगा कि इट वॉज माई प्रपोजल। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहा हूँ कि इट वॉज माई प्रपोजल कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और हमारे नेताओं ने उसको मान्यता दी। तो इसलिए दैट वॉज नॉट अ शॉकर फॉर मी, वो मेरे लिए शॉक नहीं था। मेरे लिए अब उसको सुखद कहिए या किसी भी प्रकार का शॉक कहिए, मेरे लिए शॉक ये था कि जब मुझसे ये कहा गया कि आप डिप्यूटी सीएम बनना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेताओं ने जब मुझसे बात की देवर एब्सोल्युटली कन्विंसिंग, और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे कन्विंस किया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पार्टी का हित भी उसमें था। और जब मैंने शपथ ली उस समय निश्चित रूप से मैं बहुत तरह के विचार मेरे मन में थे, चेहरे पर दिख रहा था, थे बिल्कुल थे, इसमें छुपाने की बात नहीं है, बहुत तरह के विचार थे। किंतु उसके बाद महाराष्ट्र से और पूरे देश से जो समर्थन मिला, मैं ऐसा मानता हूं, अपने पहले बात की इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरा कद शायद चीफ मिनिस्टर बनकर नहीं बढ़ा था वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी बढ़ा, इतना समर्थन लोगों ने मुझे दिया। क्योंकि लोग ये जानते थे कि ये जो परिवर्तन हमने किया है ये महाराष्ट्र के और देश के हित में किया है, और ऐसा परिवर्तन जब आप लोग करते हैं तो उस समय कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और वो निर्णय हमने लिए। और आज अगर आप मुझे पूछेंगे आई एम टोटली सेटिस्फाइड, सरकार हम जिस प्रकार से चला रहे हैं और विशेष रूप से मेरा और शिंदे जी का समन्वय, ये कोई आज का तो है नहीं, वो तो हमें समन्वय दिखाई तो बहुत पुराना है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये सारा इतनी सारी चीजें हुई तो ये कुछ तो समन्वय लगता ही है ना आपस में, तो हमारा समन्वय तो बहुत पुराना है, हम दोनों ने साथ में मिलकर बहुत काम किया है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और मैं इतना जरूर यहाँ पर कहूँगा कि मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूँ, विश्वास में लेकर वो काम करते, सारे निर्णय हम लोग बैठकर करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है।